सो कैसे आप लोग, आपका स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल पोकेमॉन प्रिंस में। तो गाइज, हमारा मेन पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज लॉग इन पे मुझे एक स्पेशल पोकेमॉन मिलने वाला है जो कि है स्नोरलैक्स। तो गाइज, बिना पकड़े इतना स्ट्रांग पोकेमॉन जो गाइज जो जल्दी से पकड़ नहीं पाते स्नोरलैक्स, हमें फ्री लॉग इन पे मिल चुका है। तो गाइज, इसे मैं क्लेम करके अपने मेन टीम में लूँगा पहले, क्योंकि इतना स्ट्रांग पकवान कोई पॉकेडेक्स में तो मतलब सर प्रोफेसर ओक के पास तो नहीं रखेगा ना। तो टेकआउट करते हैं इसे, तो गाइज इसे विजिबल करेंगे ताकि ये मेरे पीछे चल सके। तो गाइज, तो इसे आप देख सकते हैं पीछे कितना गोलू मोलू लग रहा है। तो इसके बाद हम हमारा जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं गाइज। सो हेलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 2 बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे जाके कैप्सूल करेंगे गाइज डेली। एज गाइज ये स्पिन रहता है, स्पेशल स्पिन आप देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। आप देख सकते हैं म्यूटू, लुगिया हो और रेक्वाजा, ग्रोडोन, पालकिया, डायलगा, ड्रैगोनाइट, आर्शियस और आगे भी पकौन हो गए शायद, नहीं इतनी ही शायद। तो बहुत है, हम स्पिन करेंगे लुकारियो, गार्चॉम, टायरेंटार, सेलेमेंस, मेटाग्रॉस, डिओक्सिस। तो भाई यार मिल जाए एक पकौन तो मिल जाए यार। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर बॉल आ चुके, इसमें से कौन निकलेगा। तो गाइस HP एफर्ट पॉइंट्स, तो गाइस इतना गाइस मैं बहुत खुश था, देखना था चाहता था क्या मिलेगा। तो देख सकते हैं स्नोरलैक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फाइन सेकेंड ट्रायल, तो गाइज ये है कीपर ऑफ द सेकेंड ट्रायल। गाइज सीधा यार ये चैलेंज नहीं करते यार, तो अपग्रेड वन ग्रेट, सिर्फ इनसे बात करनी होती है यार जल्दी जल्दी। तो इंस्टेंस चैलेंज ट्रेनर, तो गाइज ग्रेट बॉल के अंदर फायर स्टोन मिले हमें 3, तो आप क्या करें यार। द स्किल्स लर्न अबाउट पोकेमोन स्किल्स, ओके। तो हम आइलैंड किंग होला के पास आए हैं फिर से। ए यू पास द ट्रायल, न्यू रिकॉर्ड, एक्सलेंट टू स्टार्ट द एडवेंचर ऑफ द आइसलैंड चैलेंज। हे। तो गाइस लेवल 11 का अनलॉक होने पर हमें कुछ अचीवमेंट टास्क अनलॉक हो जाएंगे। फिलहाल हमारे डेली टास्क अनलॉक हुए हैं, तो टास्क हाँ यहाँ पे है शायद। तो डेली टास्क में हमें आप देख सकते हैं, तो गाइस गिफ्ट तो अच्छे वैसे। तो अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है, तो आप देख सकते गाइस गाइस यहाँ पर जो मुझे कार जो गाइस लेवलिंग मुझे लेवल 10 पे मुझे रिवॉर्ड्स मिले कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते गाइस यहाँ पे एक मतलब कहाँ पे यार वो मैं दिखाना चाहता था वो। अरे यार डेली 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 के कहाँ पे, हाँ गाइस लॉग इन गिफ्ट्स यहाँ पे मुझे स्नोरलैक्स मिला आज, मुझे ये 2 मास्टर बॉल मिली मतलब कल मिली थी, आज ये मिला। और गाइज 2 दिन बाद आप देख सकते हैं एक और ये कल और ये परसों, और उसके बाद मुझे टायरेंटार मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा जो एडवेंचर है वो कंटिन्यू करते हैं। तो चल भाई चल, तो हम फिर से आए कैप्टन सॉफ्ट स्किल्स। गाइज यार ये चैलेंज नहीं करते, सिर्फ हमें आइटम्स दे रहे हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन कुछ चैलेंज भी करो तब मजा आएगा। मूव ओवन मूव्स, क्विक अटैक, कैंसिल, PM, थंडर। तो गाइस थंडर अटैक शायद, गो टू हॉल इज आउटस्किट एंड से गुड बाय टू हाउ। तो गाइस वहाँ पे जाने से पहले गाइस ये ही चाहिए था मुझे। तो हम चैलेंज कर रहे हैं ट्रेनर उल के साथ, तो भाई चैलेंज कर रहे यार, यूं तो चाहता था मैं। तो हमारा चैलेंज हो रहा है गाइस, भाई यार ये ऑटो कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद खेलना है यार, ये ऑटो कैंसिल ही नहीं हो रहा। तो गाइस ये अपने आप मतलब ये पिकाचू मेरी बात नहीं सुन रहा, ऑटो मतलब वो अपने आप खेल रहे यार, ये नहीं यार मुझे खुद खेलना है। तो ये भी चैलेंज हो गया, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो गाइस ये हाँ मीट टू द ओपोनेंट, तो शायद इससे फिर से चैलेंज हो रहा है, तो अच्छी बात है गाइस, चैलेंज भी करने चाहिए, मुझे चैलेंज पसंद है करना। रुक भाई रुक, ऑटो कैंसिल करो ऑटो कै हाँ गाई जी ऑटो कैंसिल क्यों नहीं होता यार, जाने तो भाई हमें क्या, हमें तो खेलने से मतलब है। तो आप क्या है यार, तो पोकेमोन्स में जाना है शायद। आई वैल्यूज अटैक,
हाँ शरीफ अबाउट रिसेंट इवेंट्स। तो गाइज ये शरीफ द शरीफ ये द लॉर्ड्स ऑफ पोकेमोन थीव्स रिपोर्टेड एवरी वन पैनिकिंग राइट नाउ। मतलब गाइज यार चोरियाँ हो रही है तो सारे के सारे जो गाइज लोग बौखला चुके हैं, डर चुके हैं। मतलब तो हम क्या करें यार पिंपलब। तो क्विक एनकाउंटर गाइज 5 नक्शे हैं हमारे पास। तो गाइज क्विक कैच गाइज एक टिकट यूज करेंगे और मतलब सब पकड़े जाएंगे गाइज। पिंपलब भी है यार। तो गाइज मतलब पोकेमोन सेंटर के सब पकवान हमने पकड़ लिए। तो गाइज मतलब वहाँ पे शायद 4 पिकाचू थे, 2 पिंपलब थे और शायद और कोई था यार, मुझे याद क्यों नहीं आता यार ज़्यादा। तो गाइज मेरे पास अब पॉपलियो भी है सनैन मून का जो स्टार्टर है, और साथ में एम्पोलियन भी है गाइज जो कि सीनो का स्टार्टर है यार। तो यार प्लीज़ कोई बता दो यार। हाँ तो मैंने सही कहा था गाइज। अब मेरे पास बहुत सी चॉइसेस बन चुकी है कि मैं कौन सा पोकेमोन रखूँ अपने पास। तो गाइज मैं पिंपलब को रखना चाहता हूँ यार, पिंपलब मुझे पसंद है पिंपलब। तो शायद मैं पिंपलब को ले सकूँगा, लेना चाहूँगा। तो टेकआउट करता होगा सबसे पहले इससे पुटिन, और हाँ इस पिंपलब को करूँगा टेकआउट। तो मैंने पिंपलब को टेकआउट कर दिया और साथ में अब तो चलिए आगे चलते हैं ऑटो रेटिंग। तो गाइज मैं है ना गाइज कम्युनिटी में पूछ डालता हूँ गाइज कि मैं पॉपलियो को रुकूँ या फिर पिंपलब को, आप ज़रूर बताइएगा। और गाइज बहुत से सब्सक्राइबर जो है मुझे वो कहते हैं गाइज मेरे चैनल को प्रमोट करो प्रमोट करो। तो गाइज जितने भी प्रमोट करने वाले हैं उन सबके लिंक मैंने गाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो अगर आप चाहते हो तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो यार। अगर आपको उनकी वीडियो और उनका कंटेंट पसंद आया तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो गाइज इससे चैलेंज हो रहा है हमारा, तो हम चैलेंज करेंगे इससे। लिटिल बॉय क्लार्क चैलेंज यू। सो लिटिल बॉय क्लार्क सेट आउट वरिश। तो ऑटो कैंसिल भैया, ऑटो कैंसिल। अरे यार यार ये पिकाचू यार एक अटैक में सबको भेज दे रहा है यार, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करें यार। तो बैटल, लेट्स बैटल द ट्रूथ अबाउट सरफेस। बस ये इसमें हम ऑनलाइन ट्रेनर से भी चैलेंज कर सकते हैं। मैंने कल एक ट्राई किया था लेकिन उसके लिए लेवल 10 चाहिए थी और अभी अभी मेरी लेवल 10 हुई है। तो होनोर में कुछ आया है तो गाइस हमें 50 डायमंड्स मिल गए हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेट ईवीज इंजुरीज। तो गाइस हम पहली बार हम मतलब दूसरे रूट में जा रहे हैं, तो हम टेलीपोर्ट होंगे दूसरे रूट पे। तो चलती है यहाँ पे पालकिया और डालगिया, डायल का और पालकिया। तो गाइस ये टीम स्कल है गाइस सन एंड मून में, विलन टीम स्कल। कपड़े मुझे अच्छे लगे गाइस उनके, बहुत अच्छे कपड़े हैं यार, हमें भी दे दो। तो उसके पास से जुबैर और पिकाचू तो उसे एक अटैक में भेजने वाला है। कहा था यार भेज देगा, क्योंकि हमारा पिकाचू है वो ऐश के पिकाचू भी से भी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। इसमें एक अटैक में भेज दे रहा है हर पोकेमोन को यार, ग्रास हो या विश टाइप फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई है फ्री फायर नाम के बंदे की, तो एक्सेप्ट यार, फ्रेंड्स की ज़रूरत है हमें। आप भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम साथ में कभी बैटल भी करेंगे यार। तो यहाँ पे टॉर्चिक वॉर टोटल और स्क्वाडल मिल रहे हैं यार। तो गाइज यार यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे पोकेमोन मिल रहे हैं, मैं पकड़ना भी चाहूँगा। तो ग्रास में गाइज, तो ग्रास में चलते हैं। और हमें मुझे टॉर्चिक चाहिए, वॉर टोटल भी चलेगा और स्क्वाडल भी चलेगा यार। तो गाइज मुझे टॉर्चिक ही मिला, टॉर्चिक ही मिला यार, टॉर्चिक प्लस 1 शायद कुछ तो है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसे पकड़ना है। तो गाइज सबसे पहले चार्म कर दूंगा। तो गाइज उसके बाद आप करेंगे गाइज थंडर शॉक में शायद वो मर सकता है, तो मैं चूज़ करना चाहूँगा चार्मेलियन को, क्योंकि चार्मेलियन भी एक फायर टाइप है गाइज, अटैक उतनी इफेक्टिव तो नहीं करेंगे ना। तो टॉर्चिक प्लस 1 पे हम करेंगे। तो गाइज स्क्रैच कर देता हूँ मैं स्क्रैच को, स्क्रैच इस बैटल आप देख सकते कितनी एच डी है यार, क्योंकि हमें हमने सिर्फ वो छोटे से सस्ते वर्जन खेले हर गेम के, जैसे कि फायर एश और बहुत से यार, कभी इतना एच डी गेम मैंने खेला ही नहीं है, यही खेला है। और गाइज एक और गेम था एपिक मॉम नाम का, वो भी खेला है, वो कुछ लगभग ऐसा ही है, उसमें मैंने लाइट यूज भी पकड़ा था, लेकिन गाइज तब मैं वीडियो नहीं बनाता था यार। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 मास्टर बॉल भी है जो कि मुझे लॉगिन में मिला। अगर आप गाइज आपको अगर मास्टर बॉल चाहिए तो मैं एक बोलता हूँ ये गेम जल्द से जल्द डाउनलोड करो, ताकि आपको गाइज फ्री में स्नोरलैक्स, फ्री में टायरेनिटार और गाइज ये भी मिल सकती है मास्टर बॉल यार लॉगिन पे, सबको मिल रही है।
तो लेवल 5 का हमारे पास आ चुका है यार। तो आप, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं कितने पोकेमॉन हो चुके हैं यार। तो मुझे एक पिंपलक मिला, ये टॉर्चिक मिला, तो गाइस इलेक्ट्रिक एक है, फायर एक है, ग्रास नॉर्मल टाइप तो रखूंगा, वाटर टाइप 2 हो चुके हैं। तो गाइस मुझे मूड बन रहा है यार पोपलियो और पिंपलप में से किसी एक को रखूंगा। तो गाइस पिंपलप को हमें देखना पड़ेगा, पोकेमॉन्स में जाता हूँ। इसका मेगा तो मैंने देखा है, लेकिन पिंपलप का मेगा कैसा है देखूंगा गाइस। नहीं गाइस, मेगा एक्सक्लूसिव नहीं, अभी तक नहीं आया है, तो सोचना पड़ेगा। और इसका मेगा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रीमा रेना जो भी है और ये मेगा, गाइस सेम है यार, उतना कुछ फर्क तो मुझे नहीं दिख रहा, सिर्फ शायद, नहीं गाइस कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए मेगा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड मिस्टर स्टैंडर्ड ऑफ द रॉक्स की, मिस्टर स्टैंडर्ड। ओ सो यू री नॉट वन द टीम स्कल, सॉरी। हमें क्या है यार, चलो जल्दी, यहाँ पे क्यों यार, यहाँ पे क्या करना है, वर्ल्ड वाइल्ड ओके रीजनल रिवॉर्ड्स चार्मिलियन कैंसल। ओके भैया क्या था, मतलब करना क्या है यार वो तो बताओ। तो प्रेशर पोस्ट हम चैलेंज करेंगे, तो गाइस जिसने हमें, गाइस तो हमें लिटन भी मिल गया आखिरकार यार। नहीं कुछ, एक बंदे ने मुझे कमेंट में कहा था कि तुझे लिटन भी मिलेगा, और ये मिल गया। तो गाइस मेरे पास अब पोकेमोन ही पोकेमोन हो चुके हैं यार, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ यार, इतने पोकेमोन है मेरे पास। तो आप भी आ गाइस, यहाँ पे एक पोकेमोन में कैच करूंगा गाइस, रॉल्स लगना चाहिए, ये एरन लग गया गाइस, इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे भी मैं पकड़ूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने अपने पास ऑप्शन होना गाइस उतना ही अच्छा होता है यार। तो पोकेबॉल गाइस, ये ग्रेट बॉल फेंक देंगे हम इस पर, क्योंकि ग्रेट बॉल ज़्यादा यार, पोकेबॉल कम है, पोकेबॉल रह रहे हैं हमारे, 6 ही पोकेबॉल है। सो यस, सो वी कैच इट एरोन, एरोन लैरोन एंड एग्रोन, शायद ऐसा ही है उनका जो स्टेजेस है गाइस। तो गाइस मुझे कर लिया पकड़ना था यार, कर लिया चाहिए मुझे, कर लिया साइकिक टाइप है, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। तो हमें कर लिया मिल चुकी है, तो हम इसे पकड़ेंगे। तो गाइस ये फेरी और साइकिक टाइप फर्क नहीं पड़ता यार, हमें पकड़ना है इसे, डबल टीम किया है शायद उसने, तो मैं थंडर शॉक ही करूँगा, वो ग्राउंड की रहेगी। सो इस बार हम ट्राई करेंगे हमारा रेयर बॉल जो कि है पोकेबॉल। सो लेट्स कैच इट इन पोकेबॉल टू कर लिया प्लस 1। सो वी कैच इट कर लिया यार, मुझे लगा आ जाएगा यार, तो ग्रेट बॉल यूज करेंगे अब। आ जा यार, बहुत बॉल वेस्ट कर दिए यार तूने, ओ माय गॉड, ये कैसे कर रही यार, ऐसा कैसे कर सकता यार तू, कर लिया या फिर किसी कर सकती है, तू कर लिया, फीमेल है, हमने यहाँ पे उसका जेंडर देखा ही नहीं। तो यार आ जा यार, आ जा। सो एक और हमने ग्रेट बॉल वेस्ट कर दी इसके चक्कर में। तो गाइस आखिरकार सबर का फल मीठा होता है, हमने पकड़ लिया कर लिया को। सो एचपी पॉकेडेक्स नंबर एबिलिटी नेचर, स्ट्रॉन्ग नेचर का पोकेमोन है गाइस, कर लिया। सो गाइस यार बहुत कंफ्यूजन है मेरे पास, क्योंकि हर चॉइस के लगभग मेरे पास 2 चॉइसेस बन चुकी है। तो गाइस सोचना मुश्किल है, लेकिन मैं कौन सा पोकेमोन रखूँ यार। सो इस बार इसे बैकपैकर लीसा। सो गाइस शायद मैं अब कम्युनिटी में ही पूछने वाला यार, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। मेरे पास लिटन और चार्मिलियन है, मेरे पास पिंपलप भी है। सो अब मुझे देखना पड़ेगा यार, तो कैटरपिलर को मैंने हरा दिया है, तो आप देखते हैं। सो हम जीत चुके हैं, हमने हरा दिया है लीसा को। पोकेमोन आर द ग्रेट गिफ्ट फॉर द वंस। ठीक है यार, ठीक है। सो गाइस शायद आज के एपिसोड के लिए बहुत हो चुका गाइस, टास्क उसके पहले कंप्लीट कर देता हूँ, गो प्लेन। नहीं गाइस रुको रुको, ये नेक्स्ट एपिसोड में ही करेंगे, कैप्सूल में गाइस यहाँ पे बाय 1x जो भी है वो करेंगे। क्योंकि गाइस यार मैं कम्युनिटी में ज़रूर पूछूंगा यार, आप भी बता सकते हैं कमेंट में, इनमें से मैं कौन से पोकेमोन चूज करूँ यार। आप देख सकते हो कितने पौरे पोकेमोन है यार, लिटन या फिर 4 मिलियन रखूँ
राउलेट का अभी तक कोई आया नहीं, तो राउलेट रखूँगा, स्नोरलेक्स का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और यहाँ पे गाइस चॉइस हुए पॉपलियो या फिर पिंपलब, प्लीज़ बता दीजिए कौन सा पोकेमोन लूँ। और गाइस स्नोरलेक्स लूँ या फिर कर्लिया लूँ, ये भी आप बता सकते हैं। सो गाइस आज के एपिसोड में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो टू बी कंटिन्यूड।